और यहाँ हमारा पोपट हो चुका है, हम घर देखने के लिए आए थे चाबी लेके, और जो चाबी लेके आए हैं वो चाबी कोई गलत है, मतलब पता नहीं कौन सी चाबी है, मुझे लगा ये वहाँ रखी तो इसकी हो गई, लेकिन ये इसकी चाबी नहीं है, क्या कर सकते अब। कैसे हो आप? ये मेरे को मारती थी पहले बहुत ज़्यादा, ये देखो ये हेलो यार इसको खाना तो जो मर्जी कर दो, ये तो जान लेने पे आ गई मेरी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी टाइम हो चुका है 11, और हमें उठते उठते ही लेट हो गया था आज, क्योंकि हम कल वीडियो एडिट कर रहे थे, उसके बाद काफ़ी लेट हो गया था, उसके बाद सो गए थे। लेकिन सोने के बाद क्या हुआ, बार बारिश पड़ने लगी, और बारिश पड़ने के कारण मेरी नींद चलेगी, और आपको पता ही एक बार नींद चली जाती है तो उसके बाद मुश्किल हो जाता है दोबारा से आना। तो उसके बाद मैं सुबह तक सोया ही नहीं, मतलब करीब करीब 4:30 5 बजे तक सोया। तो 5 बजे सोएगा बंदा तो फिर ऐसे ही 10 बजे करीब उठा हूँ। तो बाकी आज का कुछ खास प्लान है नहीं, बाकी कल वाली वीडियो आपने शायद देख ही ली होगी, नहीं देखी तो आई बटन में लिख आ रहा होगा। और बाकी आज का कुछ खास प्लान है नहीं मेरे पास, शायद आज मैं अपना बुलेट दूंगा, और उसके बाद मेरा एक यहाँ जो मैं रह रहा हूँ ये हमारा डोगरा है, मतलब ये गाँव भी है लेकिन ये प्रॉपर गाँव नहीं है, हम जहाँ के हैं ना पीछे है, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पीछे वो गाँव। तो आज मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ हमारा नया घर बन रहा है, तो आपको भी दिखाऊँगा, खुद भी देखूँगा, क्योंकि मैं 4-5 महीने से कुल्लू में था तो मैंने देखा ही नहीं है वो। तो फिर शायद मैं वहाँ जाऊँगा और देखूँगा कि क्या क्या बना है, क्या क्या चेंजेस हुए उसमें। और उसके बाद वैसे मेरा आज एक कहीं और का जाने का प्लान था, मेरा जाना था मुझे, और पर वो कैंसिल हो गया, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मेरे को जाना था वो है नहीं वहाँ पे। कल शायद मैं जाऊँगा वहाँ पे, तो कल कुछ खास वीडियो आएगा आपके लिए। बाकी मौसम गाइस खतरनाक हो रखा है, अभी सुबह तो बिल्कुल पूरे बादल बादल था, अभी बादल था थोड़े से छट गए हैं, बाकी बारिश तो मुश्किल ही होगी, धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी। 2000 years later. तो गाइस यार मेरे को लग रहा है कि बुलेट में पेट्रोल भी खत्म हो गया है, तो पेट्रोल भी अभी डला देंगे बुलेट में, क्योंकि इसमें एक तो रिजर्व लगा पड़ा और आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही है, तो अभी पेट्रोल डला देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप भी दूर है तो हम लेके रखते हैं, जैसे मैं लेके आया हूँ ये, तो अभी इसको इसमें डाल देंगे। Seconds later. ना पड़ता है इसको स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि आजकल तो सर्दियाँ है ना, तो सर्दियों की वजह से एक तो स्टार्ट नहीं होता है, मेरे को पता है पहली किक में तो स्टार्ट होने नहीं वाला है, न्यूट्रल है, लेकिन अभी आप पहली किक में स्टार्ट होने होता है। अब यार भाई बुलेट है तो पटाखे नहीं मारे तो बात है, तो चलो एक तो भाई लोग यार अभी अपन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, मतलब जाने के लिए, मैं ऊपर जाने वाला हूँ अपने दूसरे वाले गांव में, और बाइक शायद मैं वहीं जाके धो लूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पाइपलाइन का काम चला है, तो यहाँ पे बाइक धोने का बन नहीं रहा है, प्रेशर नहीं आ गया, तो ऊपर वाले घर में जाके वहाँ पे जाके बाइक धो लूँगा। लेकिन अभी एक मेरे को और काम हो गया है, क्योंकि पापा ने बीच में बोल दिया कि पापा तो जा रहे हैं, तो अभी घर में कोई नहीं है, मम्मी मामा घर गई है, मतलब नानी के घर गई है, और घर में भाई वगैरह तो होते ही नहीं है, तो मैं अकेला ही हूँ, तो अभी मेरे को गाय को घास वास डालना पड़ेगा, उसको पानी पिलाना पड़ेगा, तो पानी वगैरह पिला के उसके बाद शायद मैं ऊपर वाले घर जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो ये पीछे दिख रहा है, तो ये हमने स्टोर किया होता है घास, ये जो होता है ये सर्दियों के लिए काट के रखते हैं, क्योंकि सर्दियों में घास नहीं मिलता है, तो काटने के बाद इसको ऐसे स्टोर कर देते हैं, जैसे एक ये और 3 ये है। तो अभी अपन जैसे अभी घास यहाँ से तो अभी सूखा ही घास देते हैं गाय को, तो ये खींचना पड़ता है इसको ऐसे, ये तो पूरा ही निकल रहा है यार, कहीं और से खींच के देखता हूँ ना, ऐसा ना वो पूरा ही डह जाए ये, क्योंकि उधर से खींचा तो निकल नहीं रहा था, अभी यहाँ से खींच के देखता हूँ, ओ यार ये तो निकल ही नहीं रहा है मेरे को निकालना नहीं आ रहा है शायद, ये 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 यस यस एक निकल गई, और ये दूसरी, तो अब ये ज़्यादा नहीं, अभी दो ही देंगे, क्योंकि गाय अकेली है तो एक ही गाय है हमारे पास, और हम ज़िम्मेदार है यार, मतलब ज़मींदार बोले तो होता ना ऐसे, खेत वेत गाय वगैरह बकरी सब ने सब है अपने पास,
कुत्ता बकरी गाय, तो अभी गाय के लिए घास लेके जा रहा हूँ। हमारे पास दो गाय थी पहले, और एक जैसे हम चरने के लिए छोड़ते हैं इनको जंगल में, तो एक को उस टाइम वो शाम को आई नहीं वापस, तो जैसे उसको लेने गए तब तक उसको यहाँ पे तेंदुए बहुत है, तो तेंदुए ने खा चुके थे उसको, मतलब मार दिया था उसको, तो फिर अब एक ही रह गई है। तो जिस तरीके का हमारा गाय का घर रहता है, और ये गाय, हेलो सर, ये लो आपका घर, कैसे हो आप? ये मेरे को मारती थी पहले बहुत ज़्यादा, ए देखो ए, हेलो यार इसको खाना तो जो मर्जी कर दो, ये तो जान लेने पे आ गई मेरी, खतरनाक है खतरनाक है। तभी घर के व्लॉग्स जो तो वैसे ही चलेंगे, बाकी कल तो कुछ आपको शायद दिख जाए, क्योंकि अगर मैं प्लान बना तो मैं जाऊँगा। तो गाइस यार अभी हम गाय के काम से फ्री हो गए, मतलब उसको घास वास दे दिया है, पानी वानी दे दिया है, तो अभी हम जा सकते हैं क्योंकि फ्री है, तो एक डेढ़ घंटे में हम वापस आ जाएंगे, तो चलते हैं। और हाँ, ऊपर वाले घर की चाबी लेनी पड़ेगी यार, तो चाबी लेते हैं अंदर से। ये चाबी ले ली, यही है शायद, ऐसा नहीं पॉपट हो जाए ऊपर जा। ये बहुत पुराने घर हैं, इनमें ये घास रखने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये पहुंच गए हम अपने घर, चाबी ले लेते हैं नहीं तो यहीं भूल जाएंगे। काफ़ी चेंजेस कर दिए यार, क्योंकि जब मैं था तो ये छत नहीं था, यहीं तक बनाया था यहाँ तक, और ये उसके बाद इन्होंने छत लगा लिया भाई वगैरह ने, और ये जालियाँ वगैरह लगा दी है। तो गाइज़ यार काफ़ी चेंजेस करती हैं, बस अब चेक करना है कि जो हम चाबी लाए हैं वो सही भी है कि कोई और तो नहीं लेके आ गए। तो चाबी कहाँ डाली? तो ये रही गाइज़ चाबी, अब देखते हैं लगती है कि नहीं। आई राम आई राम आई राम आई राम, ये तो नहीं है इसकी, ये भी आई राम, ये होगी शायद। ये भी नहीं है, तो ये चाबी ही नहीं है यार, ये तो ताले ही कोई और है। और यहाँ हमारा पोपट हो चुका है, हम घर देखने के लिए आए थे चाबी लेके, और जो चाबी लेके आए हैं वो चाबी कोई गलत है, मतलब पता नहीं कौन सी चाबी है, मुझे लगा ये वहाँ रखी तो इसकी हो गई, लेकिन ये इसकी चाबी नहीं है, क्या कर सकते हैं अब। चलो पीछे शटर में देखते हैं, शायद शटर की हो कोई।
बाकी ये कुछ व्यू है मेरे घर से, वो सामने आज भी श्रीखंड महादेव में धुंध पड़ी है, वहाँ पे श्रीखंड महादेव है सामने दिखते हैं, मतलब शिव की जो प्रतिमा है वो यहाँ से दिखती है। और ये कुछ, और ये सामने वाला रोड भी अभी निकला है, और ये सारा इधर पूरा ग्रीन होता था, जैसे ही रोल निकला पूरा ब्राउन हो गया है, मतलब पत्थर गिरे ऊपर से तो उसने पूरा ख़राब कर दिया ये पूरा एरिया, वहाँ से लेके ये रोड आया ऐसे करके। और ये वाले गांव को जोड़ता है एक, यहाँ पीछे गांव है और आगे गांव है, तीन गांव को जोड़ता है ये रोड। बच्चे लोग तुम का नमस्ते, क्या कर रहे तुम लोग? कुछ नहीं कर रहे, क्या कर ले, खेल ले ले, खेल ले ले। तो यार टेरेस पे चलते हैं, और ये चढ़ने के लिए सीढ़ी देखो कैसी है, पर कोई नहीं अपन तो चढ़ जाएंगे इसमें भी। और ये ऐसा है कुछ अपना टेरेस है, और ये सेकंड मंजिल के पिलर खड़ गए हैं, बट लेंटर नहीं पड़ा है, लेंटर का काम अभी सर्दियों में नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो ठंड की वजह से फिर सीमेंट जम नहीं पाता अच्छे से, तो उससे सीमेंट ख़राब हो जाता है। बाकी ये ऊपर को गांव का व्यू दिख रहा होगा आपको, पीछे ये पूरा गांव, तो ऐसा कुछ प्यारा सा गांव है मेरा। और जो परसों वाली वीडियो में आपने दिखाया था वो वहाँ से दिखा रहा था, मैं उस टावर के वहाँ में खड़ा था तो वहाँ से आपको व्यू दिखा रहा था। और ये वो घर है जो मैं ऊपर से दिखा रहा था आपको, और ये कुछ व्यू है मेरे घर से। और मौसम का आज पता नहीं लग रहा यार, कभी धूप दे रहा है, कभी बादल, कभी कुछ कभी कुछ। तो यार आज तो मेरा बहुत हो चुका है, क्योंकि आज मेरे दो दो प्लान थे, मैंने सोचा था कि बाइक भी यहाँ के दो दूंगा, तो यहाँ के बाइक कैसे दूँ, क्योंकि वो पाइप अंदर है कमरे में और कमरे की चाबी हम लाए नहीं, हम पता नहीं कौन सी चाबी उठा के लेके आ गया है। यार मेरे को पापा को पूछना चाहिए कि कौन सी चाबी है, मैंने पूछा ही नहीं और उठा के लेके आ गया, मुझे लगा यही होगी। तो चलो यार अब टेरेस पे बहुत घूम लिए, हम नीचे उतर जाते हैं और मेरे को कुछ सामान लेना है, वो सामान लेते हैं उसके बाद, मतलब यहाँ गाँव में छोटी सी दुकान है तो वहाँ से थोड़ा छोटा मोटा सामान है वो सामान लेते हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे घर के लिए वापस। तो यार एक और पोपट हो गया है, मतलब प्रॉब्लम है, दुकान ही आज दुकान ही बंद है। तो चलो यार यहाँ तो काम कोई हुआ नहीं, तो चलते हैं वापस, चलते हैं घर, और क्या ही बोल सकते हैं, देखते हैं दो एक दो दिन बाद फिर से आएंगे या शायद कल। तो यार खतरनाक ऑफ रोडिंग है, पूरे रोड में कीचड़ ही कीचड़ है, पूरा पानी पानी भरा हुआ है और कीचड़ ही कीचड़ है, तो आराम आराम से चलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ इसमें कभी भी कहीं भी लंबे पड़ सकते हैं। तो गाइस यार ये जो आप रोड देख रहे हो ना, ये कोई ऑफ रोड नहीं है, ये मेन रोड है, मतलब यहाँ पे कम से कम 4-5 हज़ार पब्लिक इस रोड से जुड़ी हुई है, लेकिन इस रोड की हालत ऐसे है ये लगता ही नहीं कि मेन रोड है, पूरा कच्चा ही। देखो ये पैच है, बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे से पैच आते हैं कि हाँ तब पता लगता है कि हाँ ये रोड टारमैक है, पर इसमें नामो निशान नहीं है। ऐसे ही कुछ जगह बची है थोड़ी बहुत जहाँ पे टारमैक अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी अब पूरा रोड ही ऑफ रोड बन चुका है, बिल्कुल हर जगह कच्चा है, बिल्कुल कच्चा है, टारमैक का नामो निशान नहीं है। तो ये हमारे यहाँ की सरकार है ऐसी, चलो इसको क्या बोलना, ये बात है, ये पॉलिटिकल बातें हम नहीं लेंगे। और बाकी मैं आपको एक बात आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सालों पहले यहाँ से ये पहाड़ टूट गया था, मतलब ये यहाँ से पूरा पहाड़ टूट गया था, तो ऐसी लैंडस्लाइड्स होती रहती है, जैसे ये देखो ये सामने से ये पूरा टूट गया था। यहाँ सामने एक बंदे का, मतलब डॉक्टर थे वो यहाँ पे सर्विस करते थे, तो जा रहे तो उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ पे साइड लगाई पास देने के लिए, ऊपर से पत्थर आया तो गाड़ी समेत उनकी गाड़ी तो ख़त्म और साथ में बंदा भी ख़त्म। चलो गाड़ी तो मिल जाती यार, पर बंदे का नुकसान हो गया, तो इधर तो गाड़ी चलाना मतलब खतरनाक रिस्क है यार। चलो चलते हैं। तो गाइस यार, तो यार ये बहुत ही खतरनाक ऑफ है। 3 hours later. अभी अपने एक छोटा सा काम आ गया, तो हम जाएंगे अपनी पल्सर पे, अभी नीचे वाली मार्केट में कुछ काम है, सुबह जो सामान मैंने लेना था वो सामान अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि सुबह तो ऊपर वाली दुकान बंद थी, तो अभी उसी के लिए जा रहे हैं। गाइस यार हम सेफ एंड साउंड पहुंच चुके हैं घर, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
कि अप्लाई कर दीजिए, शेयर कर दिया, क्योंकि आने वाली वीडियो शायद धांस होने वाली है। कल मेरा एक प्रोग्राम बन रहा है जाने का, अगर वो बन जाता तो कल वाली वीडियो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब टू इट्स पहाड़ी। बाय बाय, टेक केयर।